नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धोखेबाज लड़की से किस तरह से बदला ले सकते हो। मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ चीट किया है और आपको ब्रेकअप दे दिया, तो आप किस तरह से उससे बदला ले सकते हो, या फिर आपने उससे ब्रेकअप कर लिया तो आप किस तरह से उससे बदला ले सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में उससे बदला लेने चाहते हो ना, तो आप उसको पूरी तरह से भूल जाओ। ये बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे पूरी तरह से भूल जाओ, आप उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से चले जाओ। आपका कर्म था उसके साथ ईमानदारी से रहना, और उसने क्या करा, उसने आपके साथ चीट किया, आपके साथ बेईमानी की, ठीक है, और ये उसने अपना कर्म कर दिया। मतलब उसका कर्म तो गलत है ना, आपका कर्म तो आपकी जगह सही है, लेकिन उसने अपनी जगह पे गलत कर्म किया, तो उसको उसका फल मिलेगा, आपको आपका फल मिलेगा। आपने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, ठीक है, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। उसने आपके साथ गलत किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, ठीक है। भगवान देखता है तो ज़रूर सज़ा देता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर आप उस लड़की को सजा देना चाहते हो, आप उससे बदला लेना चाहते हो, तो आप जो है उसको पूरी तरह से भूल जाओ, उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से चले जाओ और कामयाब होकर दिखाओ। आप एक लड़के हो तो आपको तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी आप बदला ले पाओगे। अगर सही मायने पर आप बदला लेना चाहते हो तो उसको मार के या पीट के आप बदला नहीं ले सकते, उससे गाली गलौज करके आप बदला नहीं ले सकते, पुलिस में कंप्लेंट करके या उस लड़की पे केस करके आप उससे बदला नहीं ले सकते, उस पर जादू टोना करा के उससे आप बदला नहीं ले सकते। आप उससे बदला तब ले सकते हो जब आप खुद को कामयाब करो, आप खुद को कामयाब करो, आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, अमीर बन के दिखाओ। जब आपके पास सब कुछ होगा, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, तब सही मायने में आपकी जीत होगी, ठीक है। कल को जिस लड़की ने आपके साथ धोखा किया, जिस भी वजह से धोखा किया, जिस भी वजह से चीट किया, और उसने आपसे ब्रेकअप ले लिया या फिर आपने उसको ब्रेकअप दे दिया, तो आप उससे बदला लेना चाहते हो तो यही सही तरीका है अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने का, कि आप खुद को कामयाब करो, एक कामयाब इंसान बन के दिखाओ, ठीक है दोस्तों। बहुत से लड़के क्या करते हैं, लड़कियों की पिटाई लगा देते हैं, ठीक है, जो कि सही बात नहीं, गलत बात है। एक लड़के को किसी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, गाली गलौज भी नहीं करनी चाहिए। लड़की ने अपनी जगह पे जो किया सो किया, उसको उसका फल भगवान देगा, और आप अपनी जगह पे सही रहो, आप अपने आप को गलत मत बनाओ, नहीं तो आपकी इमेज ख़राब होगी। लड़की की इमेज तो है ही ख़राब, उसने तो कर ली ख़राब, अब आप अपनी इमेज को ख़राब मत करो ना भाई। सारी ज़िंदगी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं चलेगा ना, आगे चल करके आपकी शादी होती है, बच्चे होते, फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप अपनी लाइफ पर ध्यान दो, आप मेहनत करो, पैसा कमाओ और अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। अगर आप ये सोचते हो कि आप लड़की की पिटाई लगा दोगे, उससे गाली गलौज करोगे, ठीक है, आप उस पर उसकी कंप्लेंट करोगे, कुछ भी करोगे, उसे बदनाम करोगे, कुछ भी करोगे, तो उल्टा आप फंस जाओगे, क्योंकि आजकल लड़कियों के हक में ज़्यादा रहती है पुलिस, लड़कों के हक में नहीं रहती। अगर एक लड़का लड़की की पुलिस में कंप्लेंट करता है तो पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते, ठीक है, ज़्यादातर तो नहीं लिखते, पुलिस सबूत मांगती है। अगर एक लड़की बिना किसी सबूत के पुलिस वाले के पास जाके पहुंच गई और उसने बोल दिया झूठ झूठ, तो पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिख लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी लड़के को किसी भी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो फेल ही होगा, उसमें वो पास नहीं होगा इन सब चीज़ों में, ठीक है दोस्तों। अगर आप सच में बदला लेना चाहते हो तो आप खुद को कामयाब करके दिखाओ, फिर उस लड़की से जाके मिलो, फिर उसको बताओ कि देख, तूने कल मुझे छोड़ा, तूने मेरे साथ चीटिंग करी, और आज देख मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज तेरी जैसी 36 लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती है। ये आपको कहना है उसके मुंह पे जा कर के, लेकिन उससे पहले कामयाब होकर दिखाओ, ताकि वो लड़की खुद शर्मिंदा हो जाए। उसे शर्मिंदा करना है आपको, शर्मिंदा करके उससे बदला लेना है, खुद को कामयाब करके उससे बदला लेना है, ना कि उसकी पिटाई लगा के, उसके साथ गाली गलौज करके या उसकी कंप्लेंट करके। कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उसने अपनी जगह जो किया वो किया, वो उसका कर्म था जो कि गलत कर्म था, आपने अपनी जगह जो किया वो सही किया जो कि सही कर्म था, ठीक है दोस्तों। भगवान सब देखता है, भगवान आपके कर्मों का फल आपको देगा और उसके कर्मों का फल उसको देगा, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ भी सोच के मत चलो कि उसे कब सज़ा मिलेगी कब नहीं मिलेगी, इस तरह से आप हमेशा परेशान होते रहोगे, ठीक है दोस्तों।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट करके आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको मैं अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसी लव टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।